ओंकारबिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिन कामदं मोक्षदं चे ओंकाराय नमो नमः। अध्यात्म जगत के महान सूर्य की एक एक रश्मि को अनंत अनंत श्रद्धा के साथ नमन। एडवांस योग बाय पारस मलदूगर यूट्यूब चैनल पर आज आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। विश्व स्वच्छता के इस महा अभियान के अंतर्गत हमारे द्वारा अनेकों वीडियो इस चैनल पर अपलोड किए गए हैं, जिससे पूरे विश्व में लाखों लोग इससे लाभान्वित होकर अपने स्वास्थ्य में चार चांद लगा रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज हम अपलोड कर रहे हैं बवासीर का वीडियो, पाइल्स का वीडियो, मसा का वीडियो। पाइल्स के बवासीर के कई कारण हैं, बदलती हुई लाइफस्टाइल, तेल युक्त चीजें ज्यादा खाने से, डिब्बे बंद पदार्थ खाने से ये सब बीमारियां होती है, कब्ज होने से, कॉन्स्टिपेशन होने से ये पाइल्स बवासीर की तकलीफ होती है। बवासीर पाइल्स कई तरह के होते हैं। स्टेप वन में अंदर नसों में सूजन आ जाती है और जब व्यक्ति टॉयलेट जाता है, लेटरिन जाता है, तो उसमें खून जाता है और जब ये लेवल आगे बढ़ता है तो लेवल टू में आता है और ये नसे फिर बढ़कर आगे मसे का रूप ले लेती है, तुअर की दाल के जैसा या मटर जैसी उसकी आकृति हो जाती है और जब वह लेटरिन जाता है तो ये मसे बाहर निकल जाते हैं और लेटरिन जाने के बाद ये मसे वापस अंदर चले जाते हैं। इससे आगे की स्टेज में, इसमें आगे के लेवल में जब ये बीमारी और बढ़ जाती है तो मसे टॉयलेट के साथ बाहर निकलते हैं और फिर उसे अंगुली के द्वारा अंदर प्रेशर देकर अंदर ले जाया जाता है और फिर चौथी स्टेज में मसे बड़े बड़े हो जाते हैं, उनमें घाव हो जाते हैं, कभी कभी फुंसियों जैसे होते हैं, कभी फूटते हैं, कभी वापिस भरते हैं और आगे जाकर ये कैंसर का रूप ले लेता है। तो आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताने जा रहा हूँ जिसमें घरेलू नुस्खे भी हैं, योगा भी है, मुद्रा भी है, जिन सबको करके हम बवासीर की बीमारी से पहले लेवल वन में, लेवल टू में हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं। सबसे पहले हम करते हैं इसमें बालासन, दोनों पैर सामने फैलाएं और वज्रासन मुद्रा में आए, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को आगे जमीन से लगाएं और सिर जमीन से लगा लें, श्वास नॉर्मल। धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस क्रिया को कम से कम 3 से 5 बार रिपीट करना चाहिए। दूसरी बार मैं रिपीट कर रहा हूं, एक श्वास भरते हुए ऊपर, दो श्वास छोड़ते हुए अतिलिया जमीन से लगाएं, अब श्वास छोड़ते हुए और आगे बढ़े, ललाट जमीन से टच, सीना दोनों घुटनों पर, पीछे एड़िया नितंब से लगी हुई, श्वास नॉर्मल। धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर आए, श्वास छोड़ते हुए नीचे आए। यह बवासीर के लिए अच्छा आसन है। अब आसन नंबर 2 मैं आपको बताने जा रहा हूं, पर्वतासन। दोनों पैर इसमें भी सामने फैलाएं और राइट पैर को फोल्ड करके लेफ्ट पैर की साथल पर, फिर लेफ्ट को फोल्ड करें, पद्मासन पोस्चर। दोनों हाथ जुड़े हुए आनंद केंद्र पर, श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं, बाहें कानों से स्पर्श, दृष्टि सम्मुख,
साथ में मूलबंध का प्रयोग करें, गुदा के स्नायुओं को पूरी ताकत से भीतर की ओर खींचें। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ सामने से लाएं। ये भी आप 3 से 5 बार रिपीट कर सकते हैं। एक बार और करेंगे, श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर की ओर लाएं। बाहें कानों से स्पर्श, दृष्टि सम्मुख, साथ में मूलबंध का प्रयोग, गुदा के स्नायुओं को पूरी ताकत से भीतर की ओर खींचें। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे। ये मैंने आपको 2 बार करके बताया, आप 5 बार भी कर सकते हैं, 3 बार भी कर सकते हैं, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं सहज शंख मुद्रा, जो बवासीर में बहुत अच्छा काम करती है और उस बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। तो आए वज्रासन में बैठे हैं आप, वज्रासन में बैठने के बाद अंगुलियों में अंगुलियों फंसाएं और दोनों अंगूठे ऊपर की ओर। इसका नाम है सहज शंख मुद्रा। दोनों हाथ पांव के बीच में रख दें। इसमें भी मूलबंध का प्रयोग करना है, गुदा के स्नायुओं को भीतर खींच के रुक जाना है। यह है मूलबंध। इससे बवासीर में अच्छा लाभ मिलता है। इस बीमारी के कई नाम है, बवासीर, पाइल्स, मसा, अलग अलग नाम है, लेकिन नियमित रूप से करने पर इसमें अच्छा लाभ मिलता है। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट या फिर दिन में 3 बार आप 15-15 मिनट ये मुद्रा कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी मुद्रा है ये। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, देखिए अंगुलियों में अंगुलियों फंसाएं और फिर दोनों अंगूठे ऊपर की ओर, इस तरह। ये हो गई सहज शंख मुद्रा और इससे अनेक लाभ हैं। जो शंख मुद्रा से जितने लाभ मिलते हैं इस मुद्रा से मिलते हैं, लेकिन पाइल्स के लिए ये स्पेशल मुद्रा है, सहज शंख मुद्रा। इस तरह आप ये मुद्रा कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे घरेलू नुस्खे, नाना नानी के नुस्खे, दादा दादी के नुस्खे भी बहुत काम आते हैं और अच्छा लाभ मिलता है। आप 1 ग्लास गाय का दूध लें, उसे गर्म करें, गर्म करने के बाद उसे ठंडा करिए और जब दूध ठंडा हो जाए कांच के ग्लास में ले लीजिए और एक नींबू लीजिए और नींबू का रस एक वाटी में निकाल दीजिए। कटोरे में निकालने के बाद उस कांच से, दूध से भरा हुआ कांच का ग्लास मुंह के पास रखिए और उसमें तुरंत नींबू का रस डाल के गट गट पी जाइए। वह दूध ग्लास में फटना नहीं चाहिए और सुबह ही सुबह निहार पेट, खाली पेट लें। कम से कम आप ये 3 दिन में बहुत फायदा हो जाता है, नहीं हो तो 5 दिन तक ले सकते हैं और 7 दिन तक ले सकते हैं, तो बवासीर की तकलीफ में इससे अच्छा लाभ मिलता है। इसके अलावा भी और भी कई घरेलू नुस्खे हैं, एक साथ नहीं करना चाहिए लेकिन एक एक प्रयोग करने के बाद और भी ऐसे नुस्खे हैं जिसके द्वारा हमें फायदा मिल सकता है। अब दूसरा नुस्खा बताने जा रहा हूँ, भीम सैनी कपूर, जिसको खाने का कपूर कहते हैं। पूजा वाला कपूर नहीं काम में लेना है, आपको खाने वाला कपूर लेना है। 1 चने जितना कपूर लीजिए और उसको केले को छील के गुदे में, उसको अंदर थोड़े भाग में रख के और फिर उसको निगल जाइए। मुंह में नहीं आना चाहिए, लगना नहीं चाहिए, डायरेक्ट निगल जाइए। इससे वो भी 3 दिन तक प्रयोग करके देखिए, इससे भी बवासीर में अच्छा लाभ मिलता है। इसके अलावा और भी कई घरेलू नुस्खे हैं, तो मैं दाड़िम का नुस्खा बता रहा हूँ। दाड़िम से आप सब अच्छी तरह परिचित हैं। दाड़िम के छिलकों को आप धूप में सुखाइए और सुखाने के बाद उसका पाउडर बना दीजिए और पाउडर बनने के बाद 1 चम्मच दाड़िम के छिलकों का पाउडर, 1 चम्मच शक्कर का पाउडर, दोनों मिक्स करके दिन में 2 बार सादे पानी के साथ लेने से भी इसमें अच्छा लाभ मिलता है। और इसके अलावा 1/2 कप दाड़िम का जूस सुबह और शाम, उसमें आप शक्कर डाल के या मिश्री डाल के आप ले सकते हैं। इसके अलावा मूली भी बहुत कारगर है। मूली को आप काटिए और उस पर या उसको क्रिस करिए, आप मूली लीजिए और क्रिस करने के बाद 1 चम्मच हनी सर डालकर सुबह शाम खा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं जमे तो
तो 100 ग्राम मूली पर उसमें सेंधा नमक डालकर उसका जूस निकालकर सुबह शाम पी सकते हैं, इससे भी अच्छा लाभ मिलता है। मैंने मुद्रा में आपको एक मुद्रा बताई थी सज संग मुद्रा, अब एक मुद्रा और बताने जा रहा हूँ अपान मुद्रा, थर्ड और फोर्थ फिंगर का भाग। देखिए ध्यान से देखिए, बीच वाली दोनों अंगुलियों का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं, इसे कहते हैं अपान मुद्रा, जो विजातीय तत्वों के निष्कासन में महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। और जिनको कब्ज रहती है, जिनका पेट साफ नहीं होता है, तो ये मुद्रा करने से पेट अच्छे से साफ होने लगता है। और अधिकतर हम लोगों ने यह देखा है जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है या कब्ज रहती है उनको ही पाइल्स होता है, ये मुद्रा करने वाले को कब्ज कभी नहीं रहेगी। कम से कम आप आधा घंटा ये मुद्रा रोज करिए या सोने से पहले आधा घंटा ये मुद्रा करके सोइए, तो आपका पेट अच्छे से साफ होने लगता है। इसके अलावा अब मैं आपको एक आसन और बताने जा रहा हूँ जिसको करने से इस बीमारी में हमें अच्छा लाभ मिलता है। पवन मुक्तासन, पीठ के बल सीधे लेट जाएं, दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथ शरीर के समानांतर, हथेलियां जमीन से लगी हुई, राइट पैर को घुटने से फोल्ड करें, एड़ी नितंब से लगाएं, सांस भरते हुए राइट पैर को दोनों हाथों से बांधें, घुटना सीने से लगाएं, प्रेशर दें, पेट पर भी प्रेशर आता है इससे अच्छा, और सांस छोड़ते हुए नाक घुटने से लगाएं। अब लेफ्ट पैर को थोड़ा 6 इंच उठा लीजिए, धीरे धीरे सांस भरते हुए पैर नीचे, सिर नीचे, हाथ को खोल दीजिए और पैर को फैला दीजिए। अब लेफ्ट पैर फोल्ड करें, सांस भरते हुए दोनों हाथों से बांधें, सीने से लगाएं, प्रेशर दें, पेट पर अच्छा प्रेशर आएगा, सांस छोड़ते हुए नाक घुटने के ऊपर और राइट पैर को उठाएं, यथाशक्ति रुकने का प्रयास करें, श्वास छोड़ते हुए सिर नीचे, हाथ को खोल दें और पैर को सामने की ओर फैला दें। यह था पवन मुक्तासन, अर्ध पवन मुक्तासन, दोनों पैरों से भी एक साथ कर सकते हैं। दोनों पैरों को घुटने से फोल्ड करें, एड़ी नितंब से लगाएं, दोनों पैरों को बांधे हाथों से, श्वास भरते हुए दोनों घुटनों को सीने से लगाएं, और इसमें पेट पर बहुत जबरदस्त प्रेशर आता है। दबाएं, श्वास छोड़ते हुए नाक दोनों घुटनों के बीच लगाएं, धीरे धीरे श्वास भरते हुए सिर नीचे, श्वास छोड़ते हुए हाथ को खोल दें और पैरों को फैला दें। पहले जो मैंने करवाया था वह था अर्ध पवन मुक्तासन और यह था पवन मुक्तासन। इससे करने से भी इस बवासीर की तकलीफ में अच्छी राहत मिलती है, और जैसा कि ये नाम से विदित कर रहा है, हर तरह की वायु से इसे छुटकारा मिलता है। अब लेफ्ट साइड करवट लेकर आप बैठ जाइए। अभी हमने जो पवन मुक्तासन करवाया था वो आप, मैंने एक बार करवाया था, आप 3 बार 5 बार रिपीट कर सकते हैं, और उसमें यथाशक्ति आप रुक सकते हैं, 10 सेकेंड 20 सेकेंड 1 मिनट तक उसमें आप होल्ड कर सकते हैं। करेंगे बटरफ्लाई, आप इस बटरफ्लाई आसन के पोस्चर में आ जाएं, दोनों पैरों को दर्शन मुद्रा बना लीजिए, दोनों पैर मिले हुए और दोनों पैरों को हाथों से बांधिए। अब आगे पीछे आपको इस तरह चलना है, ऐसे बॉडी को ले जाएं, जो टॉयलेट का स्थान है वहां पर अच्छा प्रेशर आता है वहां पर, चलिए आगे पीछे, और ये रोज करने पर बवासीर की तकलीफ नहीं होती है। चलिए पीछे और पीछे जा सकते हैं और आगे आए, ऐसा कम से कम 5 से 10 बार आप रिपीट कर सकते हैं। जाए पीछे, आए आगे, इस तरह ये सब प्रयोग करने से बवासीर की तकलीफ में अच्छी राहत मिलती है, अच्छा फायदा होता है। तो जितने भी आपको घरेलू नुस्खे बताए गए हैं, जितने प्रयोग बताए गए हैं, सभी घरेलू नुस्खे एक साथ करने की जरूरत नहीं है। पहले आप एक प्रयोग करिए, पहले दूध वाला करिए, अगर उससे फायदा हो जाता तो कपूर वाला करने की जरूरत नहीं है। एक के बाद ऐसे एक करिए तो निश्चित तौर से, वैसे दूध से ही
गाय के दूध में नींबू डालकर पीने से अच्छी राहत मिलती है, और जो मैंने आसन करवाए और नियमित रूप से करें, और आप मिर्च मसाले वाले चीजों का उपयोग कम करें, डिब्बाबंद पदार्थों का प्रयोग कम करें, अधिक फाइबर वाले खाएं, साग सब्जी फल फ्रूट्स ये अधिक खाएं, और खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पिए, खाना खाने से 40 मिनट पहले पानी पिए, और दिन भर में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पिए, तो इससे आपको हमेशा इस बीमारी से आप बचे रहोगे। क्योंकि बीमारी होने के बाद इलाज करना अलग बात है, क्यों ना ऐसे प्रयास किए जाए कि हमें बवासीर हो ही नहीं, तो हमारे जो हम भोजन करते हैं उसको अच्छी तरह से चबा के करना चाहिए। हम लोग चबा के नहीं करते हैं तो दांतों का काम फिर आंतों को करना पड़ता है और पाचन क्रिया सही नहीं होती है। इस तरह हम ये सभी प्रयोग करके इस बीमारी से राहत पा सकते हैं। सब्सक्राइब करें एडवांस योग बाय पारसमल दुग्गर यूट्यूब चैनल को, जिससे आप बीमारियों से रिलेटेड अनेक वीडियो घर बैठे आपको प्राप्त हो सके, और जिसको करके आप अपने स्वास्थ्य में 4 चांद लगा सके। इन वीडियो को अधिक से अधिक आगे से आगे शेयर करें।